नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में। देश की तीनों सेना आज करेगी कोविड-19 अस्पतालों पर फूलों की वर्षा। सेना ने खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की रक्षा करने में जुटे कोरोना योद्धाओं को सलामी देने की तैयारी कर ली है। आज तीनों सेना मिलकर कोरोना योद्धाओं को सलाम करेगी। इस कड़ी में तीनों सेना की तरफ से देश में कोरोना योद्धाओं को सम्मान में मार्च पास्ट होगा और कोविड-19 अस्पतालों के ऊपर भारतीय वायुसेना फूलों की वर्षा करेगी। इसी क्रम में रविवार को दिल्ली में भारतीय वायुसेना के फाइटर फ्लाइट, एयरक्राफ्ट राजपथ, लाल किला, लोटस टेंपल, आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल और कनॉट प्लेस के ऊपर से गुजरेगी। मुंबई में फाइटर एयरक्राफ्ट मरीन ड्राइव के ऊपर से गुजरेगी, जबकि जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में स्टेटेड असेंबली के ऊपर से यह फाइटर एयरक्राफ्ट मार्च पास करते हुए गुजरेगी। दूसरी तरफ वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जम्मू कश्मीर की डल लेक, चंडीगढ़ में सुखना लेक, दिल्ली में राजपथ, राजस्थान में जल महल, मध्य प्रदेश भोपाल में बड़ा तालाब, महाराष्ट्र में मुंबई का मरीन ड्राइव, हैदराबाद में हुसैन सागर झील, बेंगलुरु में कर्नाटका विधानसभा और केरल में त्रिवेंद्रम में सचिवालय के ऊपर और तमिलनाडु में सुलूर, कोयम्बटूर के आसमान में मार्च पास्ट करेगी। वायुसेना का हेलीकॉप्टर दिल्ली में रविवार को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जीटीवी हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, बीआर अंबेडकर, गंगाराम, दीनदयाल उपाध्याय, आरआर हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, एम्स, मैक्स, अपोलो और सफदरजंग अस्पताल के ऊपर से उड़ान भरेगा और फूलों की वर्षा करेगा। सेना का हेलीकॉप्टर गांधीनगर, मुंबई, वाराणसी, पटना, लखनऊ, भोपाल, रांची, रायपुर, दिसपुर, ईटानगर, शिलांग, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के ऊपर उड़ान भरेगी और विभिन्न जगह पर कोविड-19 अस्पतालों के साथ साथ कई अन्य जगहों के ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। इसके अलावा सेना के बैंड कोविड अस्पतालों के पास अपनी प्रस्तुति देंगे और कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाएंगे। भारतीय नौसेना अलग अलग जगहों से तरह तरह की लाइटिंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।